नमस्कार, मैं आपका दोस्त जेपी यादव, आपका जेके नेशनल न्यूज में स्वागत है। आइए देखते हैं देश और दुनिया की खास खबरें। दोस्तों, आप देख रहे हो जेके नेशनल न्यूज में, आपका साथी आपका दोस्त जेपी यादव। और हम आपको बता दें, इस समय खड़े महाराष्ट्र मुंबई का ये बोरीवली वेस्ट का एरिया है, इसे जूना एमएसपी कॉलोनी कहते हैं। और हमारे पीछे यहाँ पर आप देखेंगे कि एक डेमोनेशन हुआ है। इस डेमोनेशन की हम हालत दिखा रहे हैं आपको डिस्प्ले पर कि हालात यहाँ के कैसे हैं और इस डेमोनेशन को क्यों किया, इस जगह पर डेमोनेशन क्यों किया गया। और देख रहे हैं आप लोगों के ये आसियाने तोड़े गए हैं, लोगों के घर तोड़े गए हैं, लोगों की छतें तोड़ी गई हैं। और जिन्होंने इन्हें यहाँ पर पूरा बचपन निकाला है, पूरी जवानी निकाली है, पूरी उम्र निकाला है, उस जगह के आसियाने को आज बुलडोजर से उजाड़ दिया गया। और यह क्यों हुआ, किस तरीके से हुआ और इसके पीछे का पूरा राज क्या है और इस डेमोलेशन करने की ऐसी जरूरत क्या पड़ी कि जो कि यहाँ पर इस अभी हम दिखा रहे हैं कि यह शाम का वक्त है और यहाँ के लोगों की आंखों में आंसू हैं और उनके चेहरे गमगीन हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि इस रात में कैसे रहेंगे, आसमान इनकी छत है और जमीन इनका बिस्तर बन गया है। हम आपको आगे वीडियो में दिखाने की कोशिश करते हैं जो यहाँ के लोग हैं उन्होंने अपनी बातों में क्या कहा है अपने दुख दर्द को। राजू सिकोरा, और यहाँ का पता है हम गोराई रोड ओल्ड जूनी इमेज भी कॉलोनी, पुरानी इमेज भी कॉलोनी और गोखले कॉलेज के सामने कुरीचा तालाब पाड़ा, यहाँ रहते हैं हम लोग। कितने सालों से रहते हैं? हम 30-35 सालों से रहते हैं, कोई 20-25 साल से रहते। अभी 26 को डेमोलिशन किया, हमको ना नोटिस दी ना हमें बताया, कुछ आइडिया नहीं था हमको। नोटिस आके एक साल हो गया, उसके बाद नोटिस नहीं दिया। बिना नोटिस के हमारी कार्रवाई कोर्ट में चालू है। हम हारे नहीं है ना, मारा हमसे जीती है, हम हारे नहीं मारा, हमारी तारीख चालू है। अभी हमको आगे तारीख दी है तो इन लोग हमारी, अगर हमें स्टे कैंसिल हुआ होता था तो तुम जीत जाते, तोड़ सकते, लेकिन हमारा केस चालू है, तुम तोड़ दिया। कौन है वो लोग जो इस तरीके, वो माड़ा वाले है, माड़ा वाले और उनको सपोर्ट यहाँ के आमदार लोग दे रहे। क्या तो हम कैसा कर, क्या मांग करते हैं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस से क्या मांग रखते हैं? हमको हमको घर दो, हमको बिल्डिंग नहीं चाहिए, हमको कहीं भी झोपड़ा दो, लेकिन हमको सहारा दो ना, हमको घर दो ना, हम कहाँ जाएंगे? आज धूप में मर रहे हैं हम, छोटे छोटे बच्चे लेके, नन्हे मुन्ने बच्चे लेके हम धूप में रह रहे हैं, ना खाना ना नींद ना पानी, धूप में मर रहे, तो हम क्या करें? हम घर दो, हमको कुछ नहीं चाहिए आपसे, हम कमा के खाएंगे। आप आगे आइए, हमको कुछ आप आगे आइए मैम। किरण, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ यहाँ पर आज हुआ और क्यों घर तोड़े गए आप लोग? सर, ये जो जो कार्य चल रहा है काफ़ी सालों से, मतलब 1-1.5 साल से चल रहा है और बहुत यहाँ पे लगभग हम लोग छोटे से बड़े हुए हैं, यहाँ पे कुछ ऐसा था नहीं, पीछे की बिल्डिंग वगैरह कुछ नहीं थी, तभी से हम लोग यहाँ पे रहते हैं। और मैं बचपन आ गया यहाँ पे, बड़ा हो चुका हूँ, यहाँ पे जंगल थी, सांप वगैरह सब था, तब कोई नहीं था या कोई वगैरह कुछ नहीं आया। अब यहाँ इतने सालों बाद हम लोग ने इतनी मेहनत करके यहाँ पर हम लोग ने बहुत कुछ अच्छा किया, हमारे सामने ये बिल्डिंग बनी, ये रोडें बनी, सब कुछ। आज यहाँ पर इनको डेवलप करना है यहाँ की सरकार को, ये जगह को, जब इतने साल से तब कोई नहीं आया, लेकिन अब जिनको डेवलप करना है तो 1-1.5 साल से इतना पीछे लगे। ये बोलते हैं आप लोग यहाँ पे अपात्र इलीगल रहते हैं। एक बार आई यहाँ पे डेमोलिश करने गए तो हम लोग झगड़ा करके उनको रिटर्न कर दिया गया। उसके बाद बायकादा लेटर से आए, नोटिस भेजा, हम लोग ने अपने सबमिट किए डॉक्यूमेंट, थोड़े दिन बाद अपात्र किए, बोले आप लोग फिर डेमोलिश करने आए। तो हम लोग ने उसके पहले हम लोग ने कोर्ट में गए, केस दर्ज किया, केस दर्ज करने के बाद हम लोग को स्टे मिला, इन लोग को रिटर्न स्टे मिला, किन लोग को ओरल स्टे मिला। उनको हमारे सामने ऑफिसर को बोला गया था कि एक्शन लेना नहीं जब तक का कोर्ट का कार्रवाई खत्म नहीं होता, जो भी विन होगा वो उसका होगा। लेकिन ये इतने सालों बाद, 1 साल बाद यहाँ पर नोटिस वगैरह कुछ नहीं आता, सीधा प्रोटेक्शन आती, पुलिस 2 गाड़ी पुलिस आती है, बोलते जितने लोग हैं उसके डबल पुलिस यहाँ पे आती है और बुलडोजर आता है, सब आने के बाद यहाँ पे डेमोलिश करने। बोले हम लोग पूछे, हम लोग का स्टे था कोर्ट पे चल रहा है तो किस बेस में आप लोग तोड़ रहे हैं? तो बोलते नहीं, हम लोग नोटिस वगैरह नहीं देंगे और आप लोग का स्टे खारिज किया गया। अगर स्टे खारिज करता है तो हर समय नोटिस आता है, कोर्ट से लेटर आता है कि यहाँ पे नोट स्टे खारिज किया गया है, तो आपके पास ना हम लोग के पास ना स्टे खारिज करने का लेटर आया ना आपके पास कोई लेटर है। बोलते जो लेटर हम लोग चौकी में जमा किया गया है, चौकी में जमा किया, हम लोग को नहीं दिखा रहे, बोलते वकील लेके आओ। और हम लोग का हियरिंग था 28 तारीख को, आज हमारा हियरिंग था, 2 दिन पहले यहाँ पे स्टे बोल के हम लोग थे, यहाँ 2 दिन पहले डेमोलिश किए, हमारा वकील भी हाई कोर्ट में था, उसके पहले वकील को आने का भी समय नहीं दिया गया, सीधा डेमोलिश किया गया है। और आप लोग, हम यही चाहते हैं कि जब डेमोलिश कर रहे हैं, जब कोर्ट का बात नहीं सुन रहे हैं आप लोग,
यहाँ अपनी जबरदस्ती आके तोड़ रहे, तो फिर हम लोग न्याय लेने जाए किधर? पुलिस चौकी में जाएंगे तो बोलते कोर्ट में जाओ, कोर्ट में जाएंगे स्टे मिल रहा है तो भी आप लोग तोड़ा जा रहा है, तो मतलब फिर कोर्ट का भी कोई वैल्यू नहीं, यहाँ पे फिर जबरदस्ती तोड़ा जा रहा है, या नेता को ही माना जा रहा है कि वही जज है जो लोग नेता जो यहाँ के सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ का नेता एक एमएलए है जो यहाँ पे गार्डन बना रहा है, और वो गार्डन बनाने के लिए वही इतना प्रेशर डाल रहा है, कोई किसी सुनाने जा रहा है, वही डेमोलिश कर रहा है इधर। मैडम क्या करना चाहेंगे, जो यहाँ पर कार्रवाई हुई है लोगों के घर तोड़े गए हैं, इस पर आपका प्रतिक्रिया क्या है? अच्छा, ये मैं नमस्ते, मैं एडवोकेट कविता मेरगू बात कर रही हूँ, मैं कांदिवली चारकोप में ही रहती हूँ। मुझे जैसे इन्फॉर्मेशन मिला कि ये लोगों का घर टूटा है, मैं इमीडिएटली आई, और एक इंसानियत के नाते अगर हम देखा जाए, वो वकील वगैरह सब भूल जाओ, मगर इनकी कंडीशन आप देखो, ये लोग इतने मच्छर में, हम जहाँ 10 मिनट नहीं खड़े रह पा रहे, 3 दिन से ये लोग कैसे रहते होंगे? ये भी तो इंसान है ना, इनको भी राइट है ना, कैसे इनके भी छोटे बच्चे हैं, ये कहाँ खाना बनाएंगे, कहाँ रहेंगे? लेडीज को कुछ नहीं तो स्नान करने के लिए, या कुछ पर्सनल कुछ चीजें करने के लिए, कुछ आड़ोसा जो बोलते हैं वो तो चाहिए कि नहीं? ये देखो आप इधर कैसी कंडीशन है, ये कैसे रहेंगे? तोड़ते समय इनके पास न कोई नोटिस दिखाया गया, या ये कुछ केस दिखा रहे थे वो भी किसी ने दखल नहीं ली। हाँ, ये बोल रहे हैं कि हमने और एक एडवोकेट किया, वो एडवोकेट भी इधर प्रेजेंट नहीं है, ये लोग किसके पास न्याय मांगे? ये इनके लोकल ये नहीं, तुम्हारे नगर सेवक के पास गए थे तो उनको वहां से भी कुछ न्याय मिला नहीं, उनके ऊपर भी गए थे, तो ये लोग किसके पास न्याय मांगेंगे? मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है कि इनका कोई मिस पालन करता है कि नहीं, या ये किसको पूछेंगे? कोई तो अभी 3 दिन से कौन इधर आया है? ये इतने बेकार कंडीशन में यहाँ रह रहे हैं, बोलना नहीं चाहिए। हाँ, ये देखो कितने मच्छर सब जन ये हाँ इधर है, फिर भी ये रह रहे हैं। ये लोगों का ऐसे कहना है, या इनके पास मैंने खुद चेक किए हैं, इनके पास 93 से सब डॉक्यूमेंट है, उनका राशन कार्ड है, इधर का लाइट बिल है, यानी 2000 के पहले का सब इनके पास पूरा हुआ है, और इन्होंने 2007 में भी एक केस किया था कि बाबा हमारा ये जो रह रहे वो लीगलाइज करे, मगर 2007 से तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, सिर्फ कोर्ट में केस पेंडिंग है और वो वकील की फीस भर रही है, ये एक पार्ट हुआ। और सेकंड, ये अभी जब भी तोड़ने को आए तो इनके पास स्टे ऑर्डर था, इन्होंने वो स्टे ऑर्डर बताया जो तोड़ रहे थे उनको, उन्होंने वो स्टे ऑर्डर का भी दखल नहीं लिया। तोड़ने के बाद ये लोग नज़दीक के पुलिस स्टेशन गए, पुलिसों ने भी वो उनका स्टे ऑर्डर लिया नहीं, और उनको बोला कि अभी जाओ करके। वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान हैं तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा।